यीशु का इन सीजन 2 एपिसोड नंबर 16। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे तोजी मेगुमी के द्वारा बनाया गया छेद से डैगन की डोमेन में घुस के डैगन को ही मार डालता है, जिसके बाद ही जोगो आके नानामी, माकी और नाओमितो को जला के मार देता है और जोगो यूजी को सुकुना के 10 फिंगर्स भी खिला देता है। इससे किंग ऑफ कर्सेस सुकुना जाग जाता है। सुकुना जागते ही दो लड़कियों को मार डालता है। इसी के साथ ही जोगो को लड़ना ऑफर करता है और जोगो से कहता है, अगर तुमने मुझे एक बार भी हिट कर दिया तो मैं तुम्हारी टीम की तरफ से लड़ूंगा और तुम्हारी कई हर बात मैं मानूंगा। तो अभी आगे तोजी ने डैगन को मार दिया था और अभी वो मेगुमी से लड़ना चाहता है। सुनसान सड़क में मेगुमी और तोजी आमने सामने होते हैं और मेगुमी मन में सोचने लगता है कि अपने सामने खड़े इस शख्स को कैसे हराया जाए, लेकिन कुछ ही देर में मेगुमी समझ जाता है क्यों इसे नहीं हरा सकता है। इसलिए मेगुमी अपने रैबिट स्किप टेक्निक एक्टिवेट करने लगता है और मेगुमी के टेक्निक के वजह से उस जगह हजारों लाखों खरगोश सिकिगामी आ जाता है। मेगुमी इन खरगोशों के बीच छुपते हुए एक बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है, लेकिन तोजी इस जगह भी उसके सामने आ जाता है। मेगुमी ने डोमेन यूज किया था जिस वजह से उसका कर्स एनर्जी बहुत ही कमजोर हो गया है, इसलिए मेगुमी और उसका सारे रैबिट सिकिगामी एक साथ तोजी के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन तभी तोजी जमीन में एक जोरदार लात मारता है जिससे जमीन के जो टुकड़े उछलते हैं, उसी से तोजी मेगुमी के सर रैबिट सिकिगामी को मार डालता है। दूसरी तरफ हम पांडा और कुसाकाबे नाम के एक बंदे को देखते हैं। दरअसल पांडा को गोजो के पास जाने वाला सबवे के रास्ता नहीं पता है, इसलिए वो कुसाकाबे के साथ जा रहा है। लेकिन कुसाकाबे गोजो के पास जाने वाला सबवे में नहीं जाना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि उस जगह स्पेशल ग्रेड कर्सेस होंगे, इनके हाथों से वो मरना नहीं चाहता है। कुसाकाबे पांडा के सामने नौटंकी करते हुए टाइम पास करने लगता है, लेकिन तभी उस जगह कर्स यूजर सुडा और नेगी आ जाते हैं। नेगी उन दोनों को सरेंडर करने को बोलता है क्योंकि वो किसी सॉर्सरर्स को नहीं मारना चाहता है। दूसरी तरफ मेगुमी अपने बाप तोजी से बच के भाग रहा होता है और तोजी हाथ में जो भी लग रहा था उसी चीज को मेगुमी की तरफ फेंक के मार रहा था। तभी हम देखते हैं कि आसपास कहीं सोको भी आ चुकी है जो अपने रिवर्स कर्स टेक्निक के मदद से सभी की चोटें ठीक कर रही थी, और प्रिंसिपल यागा अपने कर्स कॉप के साथ आए हैं सोको को प्रोटेक्ट करने के लिए। इधर मेगुमी तोजी के हमलों से बार बार बच रहा था। मेगुमी तोजी के तेजी को समझ के उसके अगले हमले को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। तभी तोजी मेगुमी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मेगुमी का अंदाजा ठीक होता है जिससे मेगुमी थोड़ा सा साइड हटके बच जाता है। तब मेगुमी तोजी को पकड़ के शैडो से एक तलवार बना के तोजी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तोजी अचानक से मेगुमी से दूर चला जाता है। इसके बाद ही तोजी को कुछ बातें याद आने लगता है कि तोजी मेगुमी के भले के लिए मेगुमी को नाओमितो के पास बेचने गया था, जिससे मेगुमी जेनिन फैमिली में जाकर काफी पावरफुल सॉर्सरर्स बने। प्रेजेंट में तोजी फर्स्ट टाइम मेगुमी से बात करता है और उसे उसके नाम पूछता है। तब मेगुमी अपना नाम मेगुमी फुशिगिरो बताता है। तोजी को अपना बेटी की काबिलियत देख के गर्व होता है और वो अपने हाथ में मौजूद कर्स टूल को अपने सर में घोप लेता है। तब मेगुमी पास जाकर देखता है कि तोजी का शरीर फिर से ओकामी के पोते जैसा बन गया है। मेगुमी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या गया। खैर, मेगुमी को बहुत सारी चोटें आई थी जिस वजह से मेगुमी सोको के पास जाने लगता है। तभी कोई पीछे से आकर उसके पीठ में एक जोरदार तलवार से वार करता है। दरअसल ये हारुता होता है जिसे नानामी ने बुरी तरीके से पीटा था। हारुता कहता है कि लाचारों को मारने में मजा ही अलग है। दूसरी तरफ कुसाकाबे अपने टेक्निक इवनिंग मून शैडो एक्टिवेट करता है। ये देख के नेगी भी अपना टेक्निक एक्टिवेट करने जा रहा था। तभी नेगी के पीछे के बिल्डिंग में एक जोरदार धमाका होता है। दरअसल ये धमाका जोगो और सुकुना के बीच चल रही लड़ाई की वजह से हुआ था। जोगो सुकुना के ऊपर फायर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना जोगो के दोनों हाथ काट देता है। जोगो नॉनस्टॉप सुकुना के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन जोगो का एक भी बार सुकुना को टच भी नहीं कर पा रहा था। तब जोगो को गेटो की कही एक बात याद आती है कि जोगो की पावर सुकुना
सुकुना की 8-9 फिंगर की बराबर है, लेकिन अभी सुकुना के पास 15 फिंगर्स है। जोगो जानता है कि सुकुना उससे पावरफुल है, लेकिन इतना ज्यादा उसने कभी सोचा भी नहीं था। जोगो का हर अटैक सुकुना बेअसर कर रहा था। इनकी लड़ाई देख के कुसाका भी सभी को कहता है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी जोगो एक पूरा बिल्डिंग को जला देता है, लेकिन सुकुना को फिर भी कुछ भी नहीं होता है। तब जोगो अपना सबसे पावरफुल अटैक मैक्सिमम मीटियोर के इस्तेमाल करने लगता है, जिससे आसमान से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला नीचे गिरने लगता है। ये देख के सभी भागने की कोशिश करता है। तभी उनके सामने सुकुना आ जाता है और सभी को उस जगह से हिलने को मना करता है। किंग ऑफ कर्सेस सुकुना के डर से सब उस जगह फ्रीज हो जाता है। मीटियोर उनके ऊपर गिरने वाला था, लेकिन ठीक उससे पहले ही सुकुना सबको भागने की परमिशन दे देता है और सभी लोग उस जगह से भाग जाते हैं। तभी मीटियोर गिरता है और एक बड़ा सा धमाका होता है। जोगो सोचता है कि इस अटैक से सुकुना को चोटे आए होंगे, लेकिन होता है ठीक इसका उल्टा और सुकुना जोगो के पीछे ही बैठा हुआ होता है बिना किसी खरोच के। इसके बाद सुकुना खड़ा होता है और उसके हाथों से आग निकलने लगता है। जोगो सुकुना की फायर पावर्स देख के हैरान हो जाता है। तब सुकुना जोगो को फायर बैटल करने को बोलता है और जोगो अपने हाथ में एक फायर बॉल बनाता है और सुकुना भी अपने हाथ में जलता हुआ तीर बनाता है। तभी जोगो अपने मन में हानामी और डैगन से बात करने लग जाता है। तब हम जोगो के पीछे ही सुकुना को भी देखते हैं और सुकुना बोलता है, मुझे मजा आया। हजारों सालों में ना जाने मैंने कितने इंसान, जादूगर, कर्स स्प्रिट से लड़ा हूँ, उन सभी के मुकाबले तुम इतने भी बुरे नहीं थे, तो तुम्हें खुद पे गर्व होना चाहिए, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सुकुना के मुंह से अपना तारीफ सुन के जोगो की आंखों पे आंसू आ जाता है। तभी कहानी असलियत में आता है और हम देखते हैं कि जोगो जल के राख हो जा रहा है। तभी सुकुना से मिलने उराउ में नाम की एक कर्स यूजर आती है। सुकुना उसे देखकर पहचान जाता है और हंसने लग जाता है। दूसरी तरफ मेगुमी मरने जैसे हालत में आ जाता है, लेकिन उससे पहले उसने अपना सबसे पावरफुल शिकिगामी को बाहर निकल दिया था, जिसे देखकर हारुता रोने लग जाता है। और इसी के साथ ही ये कमाल का एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हो कमेंट में जरूर से बताना। तो कमेंट करो, मेगुमी के उस पावरफुल शिकिगामी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। ऐसे ही और भी मजेदार वीडियो देखना चाहते हो तो स्क्रीन में आया हुआ किसी एक वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।